भारत में 5G ट्रायल को लेकर कई लोग विरोध कर रहे हैं तो कई लोग इसका समर्थन भी कर रहे हैं। विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि 5G ट्रायल इंसानों पर बुरा असर डालेगा। 5G का विरोध करने वालों में अब बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला का भी नाम जुड़ गया है। जूही चावला ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका भी डाली है। जूही का कहना है कि 5G से नागरिकों, जानवरों, पेड़ पौधों को खतरा है। उनके मुताबिक अगर 5G नेटवर्क आया तो धरती पर ऐसा कोई व्यक्ति, जानवर, चिड़िया या पौधा नहीं होगा जो साल के 365 दिन रेडिएशन से बच पाए। जूही का दावा ये भी है कि तब रेडिएशन आज के मुकाबले 10 से 100 गुना अधिक हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि 5G मोबाइल नेटवर्क की 5वीं पीढ़ी है। आप और हम 2G, 3G, 4G से तो वाकिफ हैं, लेकिन 5G उसका अगला चरण है जिसको लेकर विवाद हो चुका है। तो क्या 5G का कोई दुष्प्रभाव भी है जो इंसानों और पर्यावरण पर पड़ सकता है? दरअसल भारत के कई नामी वैज्ञानिकों ने 5G को लेकर जल्दबाजी ना करने के लिए कहा था। 2 साल पहले कई वैज्ञानिकों ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि 5G से इंसानी सेहत और पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। वैज्ञानिकों का कहना था कि 5G से पहले विस्तार से रिसर्च की जरूरत है क्योंकि रेडिएशन का असर अक्सर देर से ही पता चलता है। उन्होंने ये भी कहा था कि अगर इसे इंसानों के लिए सुरक्षित मान भी लिया जाए तो भी पेड़ पौधों पर इसके असर को लेकर ढेर सारी रिसर्च होनी चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 5G इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो एक्सपोजर होता है वो 3.5 GHz के बराबर होता है। ये अभी तक के मोबाइल बेस स्टेशन के बराबर ही है। WHO के अनुसार अभी चूंकि ये तकनीक विकसित हो रही है ऐसे में और रिसर्च होनी चाहिए। अब पर्यावरण पर 5G का क्या असर पड़ने वाला है? यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन पर छपे एक लेख के अनुसार 5G से निश्चित तौर पर दुनिया भर में ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ेगा और जलवायु परिवर्तन के लिए ऊर्जा का बढ़ता इस्तेमाल एक प्रमुख वजह है। हालांकि यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख की एक स्टडी कहती है कि 2030 तक 5G नेटवर्क के जरिए ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 4G नेटवर्क से कम हो जाएगा। मतलब अभी तक मिली जुली राय सामने आ रही है कि 5G से नुकसान होंगे या नहीं। अब देखते हैं कि जूही चावला द्वारा लगाई गई याचिका पर कब सुनवाई होती है और कोर्ट से क्या कुछ निकल कर नई बातें सामने आती हैं। आप देख रहे हैं पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।